वेलकम टू एस केमिस्ट्री चैनल। हम फोर्थ यूनिट केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने कल आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। आज हम करेंगे फैक्टर्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। लेट्स स्टार्ट। फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। नंबर वन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है भाई? हमने प्रीवियस जो हमारी यूनिट थी उसमें ये सब किया था, है ना। जैसे कोई एटम है, अब इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है वही पार्टिसिपेट करते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें रिमूव करना है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव करना है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड हमारा क्या था, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ऐसे होते हैं दो स्पीसीज। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा एक स्पीसीज से। तो जितना देखो, ए से ए पॉजिटिव बनाना है यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना है, तो कब ये लॉस होगा? जितनी कम एनर्जी अगर हम इसको देंगे और ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो उतना ही आयनिक बॉन्ड जो बनने के चांस ज़्यादा होंगे, है ना। अगर ज़्यादा एनर्जी लगती होगी भाई इसको रिमूव करने के लिए, तो क्यों ये अपना यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन क्यों रिमूव करेगा? कम से कम जो है एनर्जी लगे और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, यानी कि जितनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतने ज़्यादा चांस होंगे आयनिक बॉन्ड बनने के, क्योंकि कैटायन जो है वो इजीली बन जाएगा। ठीक है, उस स्पीसीज के चांस हो जाएंगे कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे को दे। ठीक है, तो लेसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मोर इज द चांस ऑफ टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, एल्कली मेटल वैसे तो मेटल जो है उनकी टेंडेंसी ही होती है लॉस इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एल्कली मेटल में आप अगर हम देखते हैं तो उनके जो है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप करेंगे साइज बढ़ता जाएगा, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना क्या करे होगा, इजी होगा, और यानी कि उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। यानी डाउन द ग्रुप आप अगर जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, और मोर चांस होंगे आयनिक बॉन्ड बनने के। ठीक है, अब जल्दी से जल्दी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा जैसे हम डाउन द ग्रुप करेंगे, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से होता है ना, अगर हम सोडियम पोटेशियम में कंपेयर करें तो पोटेशियम के जल्दी चांस है बनने के आयनिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू सोडियम, यानी ये जल्दी से जल्दी लॉस कर देगा और आयनिक कंपाउंड बनाएगा। बनाएंगे तो दोनों ही आयनिक कंपाउंड, क्योंकि जो है ये एल्कली मेटल है, इनके चांस है, ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस करके आयनिक स्पीसीज में कन्वर्ट होने की, कैटायन में कन्वर्ट होने की, तभी तो ये मेटल है ना। लेकिन अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो कौन जल्दी से जल्दी आयनिक बॉन्ड बनाएगा, तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उसके ज़्यादा चांस होंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो, आपको पता है आयनिक बॉन्ड में कैटायन के साथ साथ क्या है, दूसरी स्पीसीज क्या है, एनायन। एनायन कब बनता है? जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यानी बी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बी नेगेटिव यानी कि एनायन में बन जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देना है हमने, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, कोई आइसोलेटेड एटम है उसमें हम क्या है ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कई केसेस में एनर्जी रिलीज भी होती है और कईयों में क्या होती है हमें देनी भी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। ये हमने डिटेल में कर लिया था, है ना, तो बस इसलिए थोड़ा सा ही ओवरव्यू दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो जितनी नेगेटिव होगी, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी, इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। अब देखो जितनी किसी भी चीज़ से एनर्जी रिलीज होगी यानी उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी, जो चीज़ बन रही है ना उसकी एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी,
एनर्जी कम लेस एनर्जी मीन्स क्या हुआ, स्टेबिलिटी। क्लियर? यानी कि स्टेबल यानी कि जो हमारा बी नेगेटिव बना है ये उतना ही ज्यादा स्टेबल बनेगा जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर हुई बात? लेस एनर्जी स्टेबिलिटी, जितनी कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर अगर इस चीज की यहाँ से एनर्जी निकल गई बाहर चली गई तो इसका मतलब ये जो हमारा बना है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम होगी तो ये क्या बनेगा, स्टेबल। और अगर ये स्टेबल बना, जितना ये स्टेबल बनेगा उतने ही मोर चांस है चांस टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। भाई जितने जल्दी एनायन बनेगा उतनी जल्दी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो क्लियर हो गया? मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज्ड, तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतने ही ज्यादा चांस है आयनिक बॉन्ड बनने के। ओके? जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतने ज्यादा चांस है आयनिक बॉन्ड बनने के, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, उससे क्या होगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो स्टेबल बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट हमारा। ठीक है? अब देखो हेलोजन्स जो हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। हेलोजन्स, हेलोजन्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या होती है, NH2NP5 होती है ना? तो इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है NP6 हो जाएगी, यानी कि क्या बन जाएगा, ये स्टेबल बन जाएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी भाई इसकी। स्टेबिलिटी यानी बनना मतलब ये चाहेगा कि मैं स्टेबल बनूं, तो यानी मोर चांस है इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है? तो उतना ही ज़्यादा चांस है आयनिक बॉन्ड के, इसीलिए जो हैलोजन है वो इजीली आयनिक बॉन्ड बना देते हैं, नेगेटिव आयन्स में आ जाते हैं। एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आयोडीन नेगेटिव, है ना? ये ज़्यादा से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड जो आपको दिखेंगे वो इनके साथ दिखेंगे, क्योंकि इन जब ये आयनिक बनते हैं स्पीसीज तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ज़्यादा स्टेबल जो है स्पीसीज बनेगी, स्टेबल एनायन बनेगा, और इसीलिए ज्यादा चांस है आयनिक बॉन्ड बनने की। ठीक है? तो ये वाली स्पीसीज आयनिक बॉन्ड बनाती हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी एक नया वर्ड है आपके लिए। यहाँ पर होती क्या है, देखो जब ए आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको पता है कैटायन होता है और एक एनायन होता है ना? अब इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब ये आप पास में आते हैं, पास में क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है? और वो भी क्या होता है, स्ट्रोंग होता है। कैटायन और एनायन स्पीसीज है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? अब इसकी वजह से क्या क्या करते हैं, ये पास आ जाते हैं। ठीक है? जब ये पास आते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बना रहे हैं भाई, आयनिक कंपाउंड। ठीक है? तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज। उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर, कॉल्ड लैटिस एनर्जी, जब ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना। और ये जो लैटिस एनर्जी है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ, अब जो हमारा ये अट्रैक्शन हो रहा है ना, ये पास में आ रहे हैं, ये वाला जो अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है? जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा हम कहेंगे कि उतने ज़्यादा चांस है लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी, उतने ज़्यादा चांस है आयनिक कंपाउंड बनने के। ठीक है? तो अब हम बात करें कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि एक तो A1 पॉजिटिव है, एक A2 पॉजिटिव है, एक A3 पॉजिटिव है, दिस वन, है ना? जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ये वो बात बता रहा है। ठीक है? तो उतना उस पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम,
यानी कि डिस्टेंस बिटवीन आयंस, यानी कि जो आयंस है, कैटायन है और एनायन है, जितने पास होंगे उतना ज़्यादा आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जितने दूर होंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्जेस दोनों का चार्ज, कि ए पॉजिटिव जो ए वाले है और बी वाले नेगेटिव स्पीसीज है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। जितना पॉजिटिव या जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा चांस है एनी बॉन्ड बनने के, उतनी ही ज़्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगी। क्लियर। दूसरा, डिस्टेंस दो है दो स्पीसीज के अंदर, जितना दूर होंगे वो उतना ही क्या है उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांस कम, यानी कि लैटिस एनर्जी रिलीज होने के भी चांस कम होंगे, उतनी ही कम एनर्जी रिलीज होगी। ओके, क्लियर। अब इसको एग्जांपल से देखते हैं। देखो, जैसे कि NaCl ले लिया और एक कैल्शियम क्लोराइड ले लियो, ठीक है। अब इनमें बताओ किस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी भाई? इसमें देखो, एनायन तो सेम है, दोनों में क्या है क्लोराइड है, यानी कि Cl नेगेटिव, इसमें भी Cl नेगेटिव ही है। जो कैटायन है इसमें क्या है Na1 पॉजिटिव, और कैल्शियम पे कैसा चार्ज है 2 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया किस पे? कैल्शियम वाले में, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब लैटिस एनर्जी कैल्शियम क्लोराइड की ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपको, और एक कोई एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कैल्शियम क्लोराइड में और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कंपेयर करो किसकी ज़्यादा होगी बताओ। अब देखो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, मैग्नीशियम भी क्या होता है 2 पॉजिटिव होता है, ये तो सेम है ही, लेकिन क्लोराइड में यहाँ पर क्लोरीन 1 नेगेटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे आपको पता है 2 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज़्यादा हो गया, तो किस इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दोनों का कंपेयर, कैटायन हो चाहे एनायन, दोनों का ही कंपेयर हमें करना है यहाँ पर। क्लियर। तो इस तरह चार्ज जो है आयन पे क्या है उसके, उस पर डिपेंड करके हम बता सकते हैं कि किस तरह लैटिस एनर्जी ज़्यादा या कम होगी, कितने चांस हैं ज़्यादा आयनिक बॉन्ड बनने के। क्योंकि जितनी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी उतना ही वो चीज़ स्टेबल बन रही है, यानी उसके ज़्यादा, और जितना ज़्यादा स्टेबल बन रही है यानी उसके ज़्यादा चांस है आयनिक बनने के स्पीसीज के, यानी उतना ही वो आयनिक बॉन्ड जो है वो जल्दी बनेगा और ज़्यादा चांस है उसके बनने के, ये ही बात होगी, ठीक है। तो उतना ही वो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर अगर NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मोर आयनिक है, मोर ज़्यादा चांसेस के लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी इसके बनने से, तो ये स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है एज कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इज इट क्लियर? वो बात तो होगी हमारी चार्ज की। अब साइज की बात कर लें, साइज ऑफ आयन। जैसे कि दो एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है। अब देखो, यहाँ पे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ Na पॉजिटिव और Br पे भी 1 नेगेटिव, यानी चार्ज तो सब पे सेम है। अब कैसा कैसे पता चलेंगे अभी किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा आयन कंपाउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो अब साइज पे डिपेंड करेगा। साइज देखो, सोडियम तो सेम है, इसको तो हम भूल ही जाते हैं, फिर क्लोराइड आयन और ब्रोमाइड आयन को देखते हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे आता है, यानी कि ब्रोमाइड जो है वो क्या है बिग इन साइज एज कंपेयर टू क्लोरीन, है ना, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखो, जब आयनिक स्पीसीज बनती है तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ये जैसे सोडियम है और ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें देखें, सोडियम तो इसी साइज का है, ठीक है, और ब्रोमाइड जो है वो बड़ा है, ठीक है, ऐसे। अब देखो, इसके और इसके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा? अभी इस इनके कंपैरिजन यहाँ पर कम होगा, क्योंकि ये साइज छोटा है इसका क्लोरीन का, लेकिन यहाँ पे ब्रोमाइड का साइज बड़ा है, इसलिए इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, मोर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और जितना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस ही बात है, अभी दूर है तो, क्योंकि इनके ही तो कैटायन और प्रोटॉन तो अंदर है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं का तो डिस्टेंस मैटर करेगा, ठीक है। तो जितना ये ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही
क्या होगा, लेस अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। जितना लेस अट्रैक्शन होगा, आपको पता है जितना लेस अट्रैक्शन होगा उतने कम चांस है आयनिक बॉन्ड बनने के, लेस आयनिक बॉन्ड बनने के लेस चांस है, ठीक है। तो उतना ही मतलब चांस बन तो जाएगा लेकिन उतना स्ट्रोंग नहीं बनेगा जितना ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सोडियम क्लोराइड मोर आयनिक होगा एज कंपेयर टू सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस इज मोर आयनिक, या कह लें इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम ब्रोमाइड। ओके क्लियर। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, जल्दी जल्दी। वैसे तो हम ये आपका सॉलिड स्टेट में जो है 12th के चैप्टर में आता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसमें, उनमें आगे वहाँ पर जो है आपको डिटेल में आएगा। फिजिकल स्टेट यानी कि जो आयनिक कंपाउंड है वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, मोस्टली सॉलिड, ठीक है। दूसरा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन नेचर में होता है, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल्स की फॉर्म होते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने, जैसे हम शुगर यूज करते हैं ना घर पे तो उसके दाने होते हैं, ऐसे साल्ट यूज करते हैं उसके क्या होते हैं, दाने होते हैं, तो ये क्रिस्टल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं, इसलिए ये क्या कह रहे हैं हम, इनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है, ठीक है। दूसरा, ये सोलिड है तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि इनका बीच में, या ऐसे भी देख लो या आयनिक कंपाउंड है, इस वे में देख लो तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है जैसे, तो कैटायन एनायन, और इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो यानी कि ए और बी बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, इसीलिए वो सॉलिड बन जाते हैं। दूसरा, अगर ये आपस में इतने क्लोजली पैक्ड है तो सॉलिड स्टेट में, तो आपको पता ही है कि मैंने आपको बेसिक वाली यूनिट्स में बताया है सॉलिड में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड हो जाएगी तो थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और जब वेपर होता है तो वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाते हैं, यही होता है ना। तो जब यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो कॉम्पैक्ट पैक होंगे, तो इस तरह से होंगे। अब इसको इस स्टेट में लाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा भैया, एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे जितने, तो लिक्विड फॉर्म में लाना है ये, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल दूर हो, यानी कि इनको सेपरेट करना है मॉलिक्यूल्स को, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट में क्या करते हैं, मेल्ट लिक्विड फॉर्म में लाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में मतलब गैसियस स्टेट में उसको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से दूर करना, उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज देनी पड़ेगी हमें उनको दूर करने के लिए, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर। नंबर फोर, सोल्यूबिलिटी, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होते हैं, क्यों, क्यों आयनिक है, आयंस यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट होते हैं यहाँ पर, तो आयनिक है तो ऐसी ही स्पीसीज के अंदर ये डिसोल्व होंगे जो खुद आयनिक हो, जैसे कि वाटर H2O है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पोलर होते हैं ये चीज़ें, पोल्स मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पोलर सॉल्वेंट में ही ये चीज़ें डिसोल्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो है आयंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और या तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, या फिर हमें क्या चाहिए वहाँ पर, आयंस चाहिए, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन क्या कैरियर कर, कैरियर का काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक पिक करेगा दूसरे को दे देगा, एक पिक करेगा दूसरे को दे देगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा, कैरियर के काम करता है। जैसे कि एक मान लो आप, हम कोई कार है जैसे, तो हमें कोई सामान है यहाँ से इस प्लेस से यहाँ प्लेस पे लेके जाना है, तो कार क्या करेगी, इसमें सामान रखा, कार से जाएगी और यहाँ सामान छोड़ के आ जाएगी, तो यहाँ पर जो सामान है वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाना है हमने इसलिए, और जो ये कार है ये हमारा क्या हो गए, आयंस हो गए, क्या हो गए, आयंस। तो
तो आयंस ये कैरियर का काम करते हैं, एक कार का काम करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आयनिक स्पीसीज हैं तो आपको पता है आयंस है, लेकिन सॉलिड स्टेट में अगर ये प्रेजेंट है तो आपको पता है क्लोजली पैक्ड होंगे और आयंस जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, एज ए मॉलिक्यूल काम करेगा ये एक तरह से। ठीक है, तो आयंस तो है नहीं, फ्री आयन है नहीं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन जब ये लिक्विड में आ जाते हैं या इनका अक्वस सॉल्यूशन बना दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो ये अब कैरियर का काम करेंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट सॉलिड स्टेट में नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 6 नंबर दिख रहे हैं, आयनिक रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक रिएक्शन शो करेगा, है ना, आयंस में टूट जाएगा। जैसे कि मान लो हमें NaCl है, इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटेगा, ये Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में टूटेगा, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास, ये आपस में इस तरह से ही, एक मिनट, इस तरह से रिएक्ट करेंगे। ऊपर लिख देती हूँ, ये रब कर देती हूँ मैं, NaCl प्लस AgNO3, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, जब इनकी रिएक्शन होगी तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चले जाएगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaNO3 बन गया भाई और AgCl बन गया। तो इस तरह इन रिएक्शन को बोले आयनिक रिएक्शन। तो ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, बहुत ही ईजी है, आयंस में तोड़ो और आपस में जोड़ दो उलट पुलट करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।